अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से स्क्वेयर स्पेस वॉक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीलांसिंग कैरियर के अंदर, अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। इसके साथ साथ ही मैंने आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का इंट्रोडक्शन दिया था और दिखाया था कि फाइवर के ऊपर कितना कंपटीशन है, अपवर्क के ऊपर कितना कंपटीशन है और कितना ज़्यादा हाई चार्ज कर रहे हैं अदर फ्रीलांसर्स इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्क्वेयर स्पेस की वेबसाइट बना के। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आप स्क्वेयर स्पेस पे अकाउंट बनाएंगे और किस तरह से साइन अप करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप वर्डप्रेस या कोई और स्किल सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक में से जाके आप कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि स्क्वेयर स्पेस के ऊपर किस तरह से आप अकाउंट बने। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमारे पास squarespace.com ये वाली वेबसाइट ओपन है। आपने इस वेबसाइट पर आ जाना और उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मौजूद है, गेट स्टार्टेड और लॉगिन। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, जो कि नहीं होगा अगर आप ये कोर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपने इस पे क्लिक करना। अगर आपने नया अकाउंट बनाना है तो सिंपल हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दें क्योंकि हमें नया अकाउंट। तो मैंने जैसे गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया, यहाँ पर देखें मेक एनी टेम्पलेट योर्स विद ईज। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत सारी टेम्पलेट शो होंगी जिनके अंदर से आप चूज़ कर सकते हैं कि कोई भी टेम्पलेट आप चूज़ करके उसको प्रोसीड कर सकते हैं। ये सिर्फ बेसिक टेम्पलेट्स हैं बल्कि काफ़ी अच्छे डिज़ाइन टेम्पलेट्स भी हैं इनके अंदर, उनको आप चूज़ कर सकते हैं और आगे चल के उनको कस्टमाइज़ भी कम्प्लीटली कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो टेम्पलेट आपने चूज़ किया वही रहेगी। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। इन सब चीज़ों को आप स्किप भी कर सकते हैं, तो मैं इनको स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, हमारे सामने डिफरेंट टेम्पलेट शो हो चुकी हैं और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज भी शो हो रही हैं। आप किसी भी कैटेगरी के लिए वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, वो आप सिलेक्ट करें, उस तरह के टेम्पलेट आपको शो हो जाएंगे और उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये टेम्पलेट्स वैसे ही रहेंगे, इनको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं आगे चल के। तो अभी के लिए हम सिंपल इस टेम्पलेट को चूज़ कर लेते हैं। किसी भी टेम्पलेट को अगर आप इम्पोर्ट करने से पहले देखना चाहते हैं तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और आप उसको लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं इसी को चूज़ कर लेता हूँ, लेट्स स्टार्ट विद डेव, तो सिंपल मैंने उस पर क्लिक किया और ये इसको सेट करने के लिए स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये टेम्पलेट को इंपोर्ट कर देगा हमारी इस वेबसाइट को। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल आप कर सकते हैं, कंटिन्यू विद ईमेल कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कंटिन्यू विद ईमेल और यहाँ पे मैं अपना नेम टाइप करूँगा और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप करूँगा, जो कि मैंने एक डमी ईमेल यूज़ किया। आप अपना जीमेल या कोई भी ईमेल यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड टाइप करूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे सिंपल क्लिक कर। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का पॉपअप नज़र आ गया। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का टाइटल दे सकते हैं, कोई भी टाइटल हो सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना ही नेम एज अ टाइटल और यहाँ पे नेक्स्ट करके क्लिक कर दूंगा और क्रिएट पेजेस एंड गेट स्टार्टेड। उसके बाद मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ चुका है। इसका मतलब ये है कि मेरी जो टेम्पलेट डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली हो चुकी है सेटअप और इसको अब मैं कस्टमाइज़ करूँगा, जो कि हम आगे वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। अब यहाँ पे इसको एडिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारे इसके एडिट मॉड्यूल्स नज़र आ जाएंगे। कुछ इस तरह के यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं, अगले लेक्चर्स के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। तो टिल देन वेट नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ के अंदर, इंशाल्लाह इसको मैं बहुत ही डिटेल के अंदर आप लोगों को समझाऊंगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले लेक्चर्स को, और ताकि आप तक टाइमली मैनर्स में पहुँच सकें। इसके साथ साथ किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मैं आपके क्वेरीज के जवाब दूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।